जी हाँ, शायद हम सभी जानते हैं एक्ट्रेस पूजा बेदी की बारे में और उनकी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। और इसी के साथ हम जानते हैं कि एक्ट्रेस के पिता का नाम कबीर बेदी है, जो कि 60 से 70 के दशक में बहुत ही बड़े अभिनेता थे और इसी के साथ वो आज भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में बने हुए हैं। वहीं अपनी शादी को लेकर तो हमेशा कबीर बेदी सुर्खियों में रहते ही है। 70 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चौथी शादी की। जी हाँ, और जिससे उन्होंने शादी की वो पूजा बेदी से, यानी उनकी बेटी से 4 साल छोटी है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूजा बेदी की माँ कौन है? जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूजा बेदी की माँ के बारे में। वहीं अपने बेटे के निधन के बाद पूजा बेदी की माँ बिल्कुल पागल सी हो गई थी और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रतिमा बेदी एक मशहूर डांसर और मॉडल थी, लेकिन सबसे ज्यादा अपने अफेयर और न्यूड तस्वीरों को लेकर चर्चा में रही। बताया जाता है कि उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, वो अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से भी छुपाती नहीं थी। वहीं 70 के दशक में वो एक बेहतरीन मॉडल थी, उन्होंने फैशन और डांस की दुनिया में जबरदस्त शोहरत हासिल की। वहीं प्रतिमा बेदी ने एक्टर कबीर बेदी से शादी की थी। कुछ सालों एक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए थे। बता दें, कबीर बेदी से तलाक के बाद प्रतिमा बेदी की जिंदगी में कई लोग आए, जिसमें पंडित जसराज भी शामिल है। उन्होंने आत्मकथा में बताया कि वो जिंदगी में हमेशा पुरुष प्यार तलाशती रही और वो उनको मिला भी। हालांकि जिन भी पुरुष के साथ वो रिलेशनशिप में रही वो पहले से ही शादीशुदा थे, जो एक वक्त के बाद अपने अपने परिवार के पास वापस लौट गए। आजाद पक्षी की तरह प्रतिमा अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करती थी। वहीं पूजा बेदी की माँ प्रतिमा 70 के दशक की बेहद बोल्ड मॉडल हुआ करती थी। उनकी एक न्यूड तस्वीर ने इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी थी। उनकी इस तस्वीर को एक मैगजीन के कवर पेज पर छापा गया था। बता दें, इस तस्वीर में प्रतिमा मुंबई के जुहू बीच पर न्यूड दौड़ती नजर आ रही थी। इस तस्वीर की वजह से प्रतिमा बेदी उस वक्त अक्सर चर्चा में बनी रहती थी। वहीं प्रतिमा अपनी इस तस्वीर को लेकर एक अलग विचार रखती थी। उनके मुताबिक, अगर मैं न्यूड थी तो इससे क्या हो जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, मेरी बॉडी अच्छी है, मुझे कोई शर्म नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर यही लड़का करे तो चलता है, अगर लड़की ने कर दिया तो इतना हाइप होने की जरूरत क्या है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिमा बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइम पास में अपनी जिंदगी के कई राज खोले हैं। वो कुछ भी छुपाने में विश्वास नहीं रखती थी। कबीर बेदी से शादी करने से पहले वो उनके साथ रिलेशनशिप में रही थी। जब वो गर्भवती हुई तब वो 19 साल की थी। इसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि शादी के कुछ वक्त साथ रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद प्रतिमा बेदी का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, जिसमें गायक पंडित जसराज के अलावा रजनी पटेल और मन्नू जैसे ताकतवर नेता भी शामिल थे। हालांकि प्रतिमा की वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में कई तूफान आए, ऐसे में उनके रिश्तों में दूरी आती चली गई। वहीं अपनी शर्तों पर जीने वाली प्रतिमा बिंदास और बेबाक थी। उन्होंने कई लोगों से रिश्ता बनाया और तोड़ा, लेकिन वो टूटी नहीं। हालांकि बेटे के सुसाइड करने के बाद वो बुरी तरह से टूट गई थी। इसकी वजह से उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री से बिल्कुल किनारा कर लिया, हिमालय की तरफ रुख किया। यही नहीं, उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रतिमा गौरी कर लिया और अपना सिर भी मुंडवा लिया। बताया जाता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद उनकी लाश मिली थी। वहीं प्रतिमा बेदी के पति की बात की जाए तो कबीर बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने करियर से ज्यादा अपनी शादियों को लेकर चर्चा में रहे। लोगों का मानना है कि कबीर बेदी एक मस्त मौला और खुश रहने वाले इंसान है, लेकिन कबीर बेदी के जीवन के उस मोड़ के बारे में बेहद ही कम लोग जानते होंगे, जिसने कबीर को तोड़ कर रख दिया था। जी हाँ, आपको कबीर बेदी की जिंदगी के उन हिस्सों से रूबरू कराएंगे, प्रतिमा बेदी की जिंदगी के उस हिस्सों से रूबरू करवाएंगे जिसको शायद आप ना जानते हो। साल 2006 से कबीर बेदी अपने और अपनी दोस्त प्रवीण दोसांझ के साथ अफेयर की खबरों को लेकर चर्चा में रहे।
दोनों ने अपने रिश्ते को साल 2016 में शादी का नाम दिया। वहीं कबीर ने अपने 70वें जन्मदिन पर प्रवीण के साथ फेरे लिए। बता दें उनकी चौथी पत्नी उनसे 29 साल छोटी है। कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी उनकी चौथी पत्नी से 4 साल बड़ी है। वहीं कबीर की जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब उन्हें अपने बड़े बेटे को खोने के दर्द से गुजरना पड़ा। जी हाँ, कबीर के बेटे सिद्धार्थ ने 26 साल की उम्र में सुसाइड किया था। ये घटना कबीर के दिल में एक नासूर की तरह बस गई। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी आप बीती का खुलासा किया। कबीर का कहना था कि मुझे पता था मेरा बेटा सुसाइड करने वाला है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए। मेरे बेटे ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑनर्स किया था, फिर ये मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए नॉर्थ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गया। वापस भारत लौटकर उसकी लाइफ में सब कुछ बदल गया था। पढ़ाई के दौरान वो डिप्रेशन में था, डिप्रेशन बढ़ता गया, वो सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाया, लेकिन दवाइयां उसे उदासी की तरफ ले गई। उन्होंने अपने बेटे के हर दिन को पॉजिटिव बनाने की हर एक कोशिश की, बीमारी और ज्यादा गंभीर रूप ले रही थी। वहीं एक दिन उनके बेटे ने उनसे कहा कि वो सुसाइड करने का सोच रहे हैं। ये बात सुनकर वो हैरान हो गए। वहीं कबीर ने कहा, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। कबीर का कहना था, एक दिन मैंने उसका ईमेल चेक किया तो मैं बुरी तरह चौंक गया। उस ईमेल में उसके दोस्तों के लिए था जिसमें लिखा था, मुझे फेयरवेल देने आ जाओ। कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। वहीं आपको बता दें, प्रतिमा की मौत के बाद कबीर ने ये बात खुद बताई कि वो नहीं जानते कि आखिर प्रतिमा की डेथ कैसे हुई। लेकिन आपको बता दें कि प्रतिमा जब अपने बेटे के सुसाइड के बाद सदमे में चली गई थी, तो वो संन्यास लेने के लिए मानसरोवर की ओर चली और 7 दिन बाद उनकी खुद की वहां से लाश मिली। प्रतिमा एक गोल्ड मॉडल थी, उनको किसी चीज का डर नहीं था। बता दें कि वो एक बार बीच में जुहू बीच में न्यूड भागती हुई नजर आई थी और वहीं पर मीडिया ने उनकी पिक्चर्स कैप्चर की और इस पर प्रतिमा को कोई भी दुख नहीं था। वो कह रही थी कि अगर कोई आदमी बिना कपड़ों के भाग सकता है तो मैं क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रतिमा की जिंदगी में दर्द तब आया जब उनके बेटे ने अपनी जान ले। जी हाँ, उनका बेटा एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार था, उनको डिप्रेशन था, इसी वजह से उन्होंने खुद की जान ली। वहीं जब प्रतिमा को ये पता चला कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है, तो प्रतिमा ने अच्छी जिंदगी जीने के लिए संन्यास धर्म अपनाना शुरू किया। जी हाँ, संन्यास धर्म, जो अभिनेत्री हमेशा अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती थी, वो संन्यास धर्म अपनाने के लिए सरोवर की ओर चली गई और वहीं पर प्रतिमा, जी हाँ, कहते हैं कि बर्फ में धसी हुई मिली। इसी के साथ, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।